नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। मैं हूं राकेश। 74वां स्वतंत्रता दिवस पर सारण जिले के अमनौर प्रखंड के निजी और सरकारी संस्थानों में कोरोना महामारी बाढ़ के कहर के बीच हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाई गई। सारण जिले के अमनौर प्रखंड के सभी गांव में एक सप्ताह से बाढ़ का कहर जारी है। प्रखंड के सभी गाँव बाढ़ के चपेट में है, जिसमें सरकारी विद्यालय एवं निजी विद्यालय पानी में घिरा है। इसके बावजूद भी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पानी में एक एक किलोमीटर चलकर जोश के साथ झंडोत्तोलन किया। प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड प्रमुख विश्व मित्र शर्मा, थाना परिसर में थानाध्यक्ष विष्णुमोहन राम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में चिकित्सा पदाधिकारी गौरव कुमार, BRC परिसर में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मीडिया सेंटर परिसर में अध्यक्ष कुलदीप महासेठ, होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय परिसर प्राचार्य प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार गुप्ता, प्राथमिक विद्यालय अमनौर अगवान अनुसूचित जाति टोला परिसर में प्रधानाध्यापक प्रभात कुमार सिंह, मध्य विद्यालय कोड़ी पाकर गोविंद परिसर में प्रधानाध्यापक प्रदीप राम, अमनौर अगवान ब्राह्मण टोली में प्रधानाध्यापिका रानी कुमारी, कन्या मध्य विद्यालय परिसर प्रधानाध्यापक राजन सिंह, मध्य विद्यालय सहादी परिसर में प्रधानाध्यापक सोमनाथ प्रसाद, मध्य विद्यालय कुमारी परिसर में प्रधानाध्यापिका वीरमणि कुमारी समेत इन संस्थानों में झंडोत्तोलन हुआ। वहीं KD पब्लिक स्कूल परिसर निदेशक चंद्रकेतु सिंह, मेघा पब्लिक स्कूल परिसर में पप्पू सिंह, सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के आवासीय परिसर में मंडल अध्यक्ष संतोष सिंह, HP गैस एजेंसी परिसर में भाजपा नेता प्रियजन सिंह विराज, विधायक आवास परिसर में भाजपा विधायक सदुनंत चोखर बाबा ने झंडोत्तोलन किया। अमनौर से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। जनगण मन अभिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजर सरदार भगत सिंह की 15 अगस्त अमर रहे। 15 अगस्त बल्ले बल्ले जय हिंद जय भारत। जो ब्लॉक है, ब्लॉक में जितने हाई स्कूल है और हाई स्कूल में जितने लड़के इंटर कॉलेज चाहे हाई स्कूल जो भी हो, उसने जो प्रथम स्थान लाया है अपने अपने स्कूल में लड़का लड़की, उस सभी के लिए मैंने पुरस्कार की व्यवस्था किया था। लेकिन कोविड-19 के चलते मैं इस कार्यक्रम को स्थगित किया हुआ।